हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत यूज़फुल, क्योंकि मैं आपको OTG शॉपिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, OTG हर एक किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्लायंस होता है। बट हम सभी जब भी बाज़ार जाते हैं ना OTG खरीदने के लिए, तो बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है ढेर सारे ब्रांड्स देख के, साइज़ ऑफ OTG देख करके। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं अलग अलग साइज़ के OTGs को एक साथ में कंपेयर करके आपसे शेयर करूंगी कि आपको कौन सा OTG खरीदना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और OTG खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपनी चॉइस और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बेस्ट OTG खरीद सकें। साथ ही OTG होता क्या है, माइक्रोवेव से कैसे ये अलग होता है, OTG में कौन कौन से बर्तन यूज़ करते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं OTG को यूज़ करने के, मतलब ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। OTG से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव गाइड है ये वीडियो आपके लिए, अगर आप OTG खरीदना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं सबसे पहले तो एक छोटे और एक थोड़े बड़े साइज़ के OTG को कंपेयर करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको OTG सेलेक्ट करने हैं। तो गाइस, किसी भी OTG को सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ एक पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं जिनके बेसिस पे आपको अपना OTG खरीदना है। तो सबसे पहला आता है फैमिली साइज़, मतलब आपका कितना बड़ा फैमिली है। तो मान लीजिए आपका दो लोगों की फैमिली है तो आपके लिए 15 से 20 लीटर वाला OTG बिल्कुल सही रहेगा। 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए 25 से 30 लीटर वाला OTG ठीक रहेगा। 7 से 8 लोगों वाली फैमिली के लिए 30 लीटर से ऊपर वाला OTG सही रहेगा। और गाइज, अगर आप प्रोफेशनल यानी कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए, केक होम बेकरी का बिजनेस वगैरह अगर आपका, तो उसके लिए एक बड़े साइज़ का 60 लीटर वगैरह का आप OTG ले सकते हैं। फिर आता है वॉटेज, यानी कि कितना वॉट का OTG आपको लेना है, मतलब जितने ज़्यादा वॉट का OTG होगा उतना कम कुकिंग में टाइम लगेगा। और वैसे भी गाइस, कम से कम 1500 वॉट का OTG आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, कुकिंग टाइम जो है काफ़ी सही होता है और इफ़ेक्टिव कुकिंग होती है उसके केस में। देन गाइस, आपको एक्सेसरीज देखनी है कि भाई OTG में आपको क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए, कौन कौन सी यूटेंसिल्स चाहिए, बेकिंग ट्रे चाहिए, ग्रिलिंग ट्रे चाहिए, हैंडलर्स चाहिए या रोटिसरी चाहिए, जो जो आपको एक्सेसरीज चाहिए उनके बेसिस पे आप अपने OTG को चूज़ करें। देन वारंटी कितनी है OTG के, गाइस जितनी ज़्यादा वारंटी होगी किसी OTG में, आप उसका OTG का यूज़ उतना ज़्यादा वरी फ्री तरीके से कर पाएंगे। देन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट आता है बजट, आपने कितने बजट के अंदर अपना OTG परचेज करना है, तो उस प्राइस रेंज में आप देखें अपने OTGs का ब्रांड या फिर OTG के प्रोडक्ट्स। अब OTG है क्या, बेसिकली OTG है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर। ये तीनों तरीके की कुकिंग एक ही प्रोडक्ट में, एक ही अप्लायंस में होती है, और उस अप्लायंस को कहते हैं OTG, जिसमें अंदर हीटिंग रॉड्स लगी होती हैं। इन रॉड्स को जब आप प्लग इन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनमें आती है तो वो गर्म होती हैं, हीट जनरेट होती है और उससे कुकिंग होती है। ना OTG एंड माइक्रोवेव दोनों अलग होते हैं। माइक्रोवेव जो होता है ना गाइस, उसमें माइक्रोवेव्स के थ्रू कुकिंग होती है, जबकि OTG में जो हीटेड रॉड्स होती है ना, उनसे होती है कुकिंग। ना गाइस, अब अगर हम जाते हैं OTG खरीदने, तो हमें कैसे कंपेयर करनी है दो OTGs को या फिर काफ़ी सारे OTGs को जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसीलिए गाइज, मैं आज दो डिफरेंट साइज़ के OTGs आपके लिए लेकर के आई हूँ। सबसे पहला है अगारो का इम्पीरियल डिजिटल OTG जो कि 38 लीटर का है, और दूसरा है अगारो का ग्रैंड 30 लीटर वाला OTG। गाइज, दोनों के सबसे पहले मैं फ़ीचर्स आपको बताऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या क्या है इन दोनों में, उसके बाद में हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ अगारो के इम्पीरियल डिजिटल OTG से। तो फ्रेंड्स, अगारो का इम्पीरियल डिजिटल OTG कुछ इस तरह का दिखता है। ब्लैक एंड स्टील कलर की फिनिश है इसमें। 38 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। 1500 वॉट का पावर कंजम्पशन है, और साथ ही 10 प्रीसेट कुकिंग फंक्शंस के साथ आता है। कन्वेक्शन फंक्शन एंड मोटराइज्ड रोटिसरी फंक्शन भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। 1 साल की वारंटी के साथ आता है ये प्रोडक्ट। इसी के साथ इसमें है लार्ज बैकलिट, LED स्क्रीन, इल्यूमिनेटेड चैम्बर, रेडी बेल, टेम्पर्ड ग्लास डोर। तो सबसे पहले आती है इसमें स्क्रूअर रैक, इसके ऊपर रख करके आप पिज्ज़ा बेक कर सकते हैं, केक बेक कर सकते हैं, या अपनी चॉइस से कुछ भी ग्रिलिंग या रोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर आती है इसके साथ में एक बेकिंग ट्रे, अगर आपको कुकीज़ बनानी है, कपकेक बनानी है, तो डायरेक्टली इस पर प्लेस करके आप वो भी बना सकते हैं। साथ में आता है ट्रे हैंडल, मतलब जब आप कुकिंग करेंगे तो ये ऑफकोर्स गर्म हो जाएगी, तो इस बेकिंग ट्रे को भी आप ट्रे हैंडल की हेल्प से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ आती है एक क्रम ट्रे। जब भी आप ऊपर कुकिंग कर रहे होते हैं तो जो भी रेजिड्यूज होते हैं फूड के या फिर क्रम्स होते हैं,
वो डायरेक्टली ओटीजी में ना ड्रॉप हो और इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहे। इसके लिए ये क्रम ट्रे होती है, सारे क्रम्स इसी में इकट्ठा हो जाते हैं। फाइनली आप इसको क्लीन कर दीजिए और ओटीजी इज रेडी टू यूज अगेन। देन रोटिसरी स्पिट एंड रॉड्स भी आती हैं इसके साथ में। आप इसे आराम से इसके नॉब को ओपन करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, फूड को सेट कर सकते हैं और फिर इससे कुकिंग कर सकते हैं रोटिसरी मोड पे। और इस रोटिसरी रॉड्स एंड स्पिल्स को हैंडल करने के लिए आता है रोटिसरी हैंडल। तो ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से इस रोटिसरी हैंडल की हेल्प से आप हैंडल कर सकते हैं रोटिसरी स्पिट एंड रॉड्स को। और साथ ही ये देखिए मैंने ओटीजी को ओपन किया है तो अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बॉटम में और टॉप पे दो दो हीटिंग रॉड्स दी हुई हैं, साइड्स पे देखिए पैनल दिए हुए हैं ट्रेस को सेट करने के लिए, और साथ ही दो हुक्स दिए हुए हैं रोटिसरी रॉड्स को सेट करने के लिए। इल्यूमिनेटेड चैम्बर है, मतलब अच्छा सा वेल लिट है। ओटीजी के ग्लास डोर की बात करते हैं तो ये देखिए ये टेम्पर्ड ग्लास डोर है ओटीजी के साथ में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज़र मैनुअल भी आती है जिसमें इस ओटीजी के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप ये बड़ी सी मतलब लार्ज बैकलिट एलईडी स्क्रीन दी हुई है ओटीजी में, और इसमें बहुत सारे प्रीसेट मेन्यूज़ हैं, 10 प्रीसेट मेन्यूज़ दिए हुए हैं, और साथ ही में इन प्रीसेट मेन्यूज़ का टाइम एंड टेम्परेचर भी राइट साइड पे डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कौन कौन से मेन्यूज़ हैं प्रीसेट। टोस्ट, बीगल, पिज्ज़ा, बेक, ब्रॉयल, कुकीज़, रोस्ट, वॉर्म, डीफ्रॉस्ट एंड रीहीट। मतलब ओटीजी में जितने भी तरह की कुकिंग हो सकती है वो सारी की सारी इन प्रीसेट मेन्यूज़ में कवर की गई है। और साथ ही वॉर्म फंक्शन, डीफ्रॉस्ट फंक्शन एंड रीहीट फंक्शन, आई वुड से ये एडिशनल ऐसे फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और इस बैकलिट स्क्रीन के नीचे सबसे पहले ये देखिए दिया हुआ है कन्वेक्शन मोड, जिसके ऊपर फैन का सिंबल बना हुआ है। बिकॉज जब भी आप ये कन्वेक्शन मोड ऑन करते हैं तो जो फैन अंदर होते हैं ओटीजी के वो तुरंत ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं ताकि इवन स्प्रेड ऑफ हीट हो और इवन कुकिंग हो। उसी के बगल में दिया हुआ है रोटिसरी फंक्शन, मतलब रोटेट हो करके जब कुकिंग होती है तो उसे कहते हैं रोटिसरी फंक्शन। और थर्ड जो बटन है ये है स्टार्ट या पॉज बटन। नाउ इन तीनों बटन्स के नीचे आता है सेलेक्ट नॉब। तो फ्रेंड्स इस सेलेक्ट नॉब को रोटेट करके इसी की हेल्प से हम हमारे 10 प्रीसेट मेन्यूज में से मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। और ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे जैसे मैं नॉब को रोटेट करती जा रही हूँ राइट साइड की तरफ, जो मेन्यूज़ का एरो लेफ्ट में बन के आ रहा है वो शिफ्ट होता जा रहा है। पहले टोस्ट पे है, फिर बीगल पे आ जाएगा, फिर पिज्ज़ा पे आ जाएगा, बेक पे आ जाएगा। फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारे सेलेक्ट नॉब से मेन्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, उसी तरीके से जो टेम्परेचर एंड टाइम की सेटिंग है वो भी राइट साइड में अलग अलग होती जा रही है। मतलब जो भी कुकिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से प्रीसेट सेटिंग है, प्रीसेट मेन्यूज़ के हिसाब से। एंड फ्रेंड्स सेलेक्ट नॉब के नीचे आता है एडजस्टेबल नॉब। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्योंकि कुकिंग करते हुए ओटीजी के अंदर का बल्ब थोड़ी देर बाद अपने आप ऑफ हो जाता है, तो अंदर की कुकिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इस एडजस्टेबल नॉब को एक बार प्रेस कर दीजिए तो ये देखिए फिर से लाइट ऑन हो जाती है और आप देख सकते हैं अंदर की कुकिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए लेफ्ट साइड में इसके टाइम लिखा हुआ है और उस पर देखिए टाइमर का एक सिंबल बना हुआ है, राइट साइड में टेम्परेचर बना हुआ है, टेम्परेचर का भी सिंबल बना है। और मोर टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो लाइटर बना है एंड मोर टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो डार्कर लिखा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, और इससे ना आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने इस एडजस्टेबल नॉब को प्रेस किया है और वन प्रेस के बाद जो टाइमर आ रहा है ना स्क्रीन पे वो ब्लिंक होने लगा है, मतलब अभी आप इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो टाइम कम होता चला जाएगा, राइट साइड में रोटेट करेंगे तो टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा। उसके बाद मैंने इस एडजस्टेबल नॉब को फिर से एक बार प्रेस किया है तो आप देखेंगे ये टेम्परेचर के ऊपर ब्लिंकिंग शुरू हो गई है। तो इस केस में आप टेम्परेचर को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन लेफ्ट साइड की तरफ आप रोटेट करेंगे तो कम होगा टेम्परेचर, राइट साइड की तरफ रोटेट करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा। और जैसे ही आप अपने हिसाब से टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, सिंपली आपको स्टार्ट और पॉज बटन जो है ना उसको प्रेस कर देना है और कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए मैंने बीच में फिर से स्टार्ट पॉज बटन को प्रेस किया है तो कुकिंग जो है वो पॉज हो गई है और ब्लिंक होने लगा है टाइम। और फिर से मैंने 2 सेकेंड के लिए इसे प्रेस किया और ये देखिए कुकिंग स्टॉप हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसमें बनाने जा रही हूँ केक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये देखिए पहले मैंने सेलेक्ट नॉब से सेलेक्ट किया बेक मोड, आ गया है 163 डिग्री पे 30 मिनट्स की कुकिंग। नाउ क्योंकि हम प्रीहीट करने जा रहे हैं इसलिए मैंने सबसे पहले टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाया है 170 डिग्री पे लाया और इसके टाइम को मैंने कर दिया है 10 मिनट्स। तो 170 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए हम प्रीहीटिंग करेंगे
और दूसरी तरफ ये देखिए मैंने पाइनएप्पल केक का बैटर भी तैयार कर लिया है और इसको एक केक टिन में ट्रांसफर कर लिया है। तो अभी तक हमारी प्री हीटिंग भी हो चुकी है और गाइस जैसे ही प्री हीटिंग खत्म हो जाएगी वापस अपना सेम टेम्परेचर एंड टाइम ले लेगा अवन। तो ये देखिए मैंने ओपन किया है ओटीजी को और इसमें सिंपली केक का बैटर ट्रांसफर कर दिया, बंद कर दिया हमने ओटीजी का डोर और क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है हमारा फंक्शन तो टाइम एंड टेम्परेचर भी सेट है, सिंपली मैंने स्टार्ट बटन प्रेस कर दी और जब भी टाइम इसका ओवर हो जाएगा मतलब 30 मिनट जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो बीप बीप साउंड आएगा, उसके बाद हम इसे आकर के चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, टाइम हो चुका है, बीप बीप साउंड आ गया है। मैंने केक बाहर निकाला है, कितना बढ़िया केक बना है और इसे अभी हम चेक भी कर लेंगे तो टूथपिक इंसर्ट करने पे बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है केक, बहुत इवन बेक हुआ है, सॉफ्ट स्पॉन्जी है। और ठंडा करने के बाद जब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है और बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी हुआ है हमारा। नाउ इस ओटीजी में गाइस जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे पॉइंट लगता है ना वो ये लगता है कि इसे बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसको बेकिंग का बी भी नहीं आता, जिसको ओटीजी चलाने का एबीसीडी भी नहीं आता वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रीज़न सिंपल है, इसमें प्रीसेट मेन्यूज़ हैं, आपको सिंपली एक बटन प्रेस करना है भाई, जो भी आपको बनाना है, केक बनाना है तो केक वाला बटन प्रेस कर दीजिए, अगर आपको पिज्ज़ा बनाना पिज्ज़ा वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो प्रोफेशनल्स तो बना ही सकते हैं, जो बिल्कुल ही बिगिनर है वो भी बना सकते हैं, हैसल फ्री है एकदम, मतलब आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। नाउ अगर कैपेसिटी की बात करें तो गाइज 7 इंच 6 इंच के दो केक टिन और एक 4 इंच का केक टिन इस वाले ओटीजी में एक साथ आ सकते हैं और बेकिंग आप साथ में इन चीज़ों की कर सकते हैं, साथ ही 12 इंच का पिज्ज़ा तक आप इसमें बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं और 2 kg का चिकन आराम से इसमें रोस्ट हो जाएगा। अगर हम ओटीजी की बात करें तो आप उसमें स्टील यूज़ कर सकते हैं, ओटीजी प्रूफ ओवन प्रूफ जो ग्लासेस यानी कि कांच के बर्तन होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के टिन्स यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली गाइस प्लास्टिक के अलावा आप ज़्यादातर मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के जो टिन्स आते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं अगारो ग्रैंड ओटीजी की। तो फ्रेंड्स अगारो का ग्रैंड 30 लीटर का ओटीजी कुछ इस तरीके का दिखता है, कॉम्पैक्ट मॉडल है, ब्लैक एंड स्टील इसका कलर है, फिनिशिंग बहुत स्लीक है, बहुत एर्गोनॉमिक है, मतलब बहुत कम स्पेस लेता है, ग्लास डोर है इसका एकदम ट्रांसपेरेंट, जो भी अंदर कुकिंग हो रही होती है वो सारी आपको दिखाई देती है। और तो गाइस अभी आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे यानी कि एक्सेसरीज भी आप कह सकते हैं, तो ढेर सारी एक्सेसरीज हैं इसकी। तो सबसे पहले आती है ये क्रम ट्रे जो कि हम डालते हैं ओटीजी के बॉटम में, फिर इसके साथ में आती है ग्रिलिंग ट्रे, हर तरीके की बेकिंग के लिए ग्रिलिंग के लिए इस ट्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आता है इसके साथ बेक पैन, इसके साथ में आता है इस तरीके का ट्रे हैंडल जिससे कि इसको होल्ड करना पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है, साथ ही में इसके आता है रोटिसरी फोर्क भी और इसको हैंडल करने के लिए इसके साथ में आता है रोटिसरी का हैंडल भी, और इसी के साथ में आती है इसकी यूज़र मैनुअल और 1 साल की वारंटी वाला इसका कार्ड भी। तो गाइस इस ओटीजी की कैपेसिटी है 30 लीटर्स और 1500 वॉट का इसका पावर कंजम्पशन है, साथ ही इसका जो प्लग आता है वो 16 एम्पियर के सॉकेट में फिट होता है। और अभी मैं आपको इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ इस ओटीजी का, तो बॉटम पे और टॉप पे दोनों जगह दो दो हीटिंग रॉड्स लगी हुई हैं, इन्हीं से हीट जनरेट होती है और साथ ही में इसके ये देखिए बल्ब लगा हुआ होता है और जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है ये बल्ब भी ऑन हो जाता है, और जब आप ग्लास से बाहर से देखते हैं तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि कुकिंग क्या हो रही है अंदर। तो गाइस अभी हम आते हैं इसकी फंक्शन नॉब्स पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 फंक्शन नॉब्स दी हुई हैं, तो इस कंट्रोल पैनल की पहली है टेम्परेचर नॉब, दूसरी है फंक्शन नॉब, तीसरी इंडिकेटर जो कि ये लाइट के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, और देन थर्ड है टाइमर नॉब। तो सबसे पहले तो गाइस ये थर्मोस्टैट नॉब्स होती हैं, इनको हैंडल करना आसान है, मतलब हैंडी है ये, और जो सबसे पहला नॉब है दैट इज़ टेम्परेचर नॉब, उसमें लो सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद आगे 90 डिग्री से टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है और यहाँ से ये 230 डिग्री तक रेंज करता है जाता है। देन आती है फंक्शन नॉब, तो अगर इस फंक्शन नॉब में ना जैसे कि आप देख सकते हैं 6 टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो बेसिकली ये बताते हैं कि हीट फ्लो कैसा होगा, अपर रॉड ऑन है मतलब जब आपको ऊपर वाली रॉड करके कोई भी कुकिंग करनी हो तब के लिए जनरली ग्रिलिंग इस तरीके से की जाती है, देन लोअर रॉड्स ऑन, देन बोथ द रॉड्स ऑन, देन रोटिसरी अपर रॉड ऑन एंड कन्वेक्शन फैन ऑन, एंड देन बोथ द रॉड्स ऑन एंड कन्वेक्शन फैन ऑन। तो गाइज ये कन्वेक्शन फैन क्या करता है, गाइज ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को प्रमोट करता है अवन के अंदर, और जितने भी पिज्ज़ा बनाना हुआ केक बनाना हुआ ये सारी चीज़ें ना गाइज ये कन्वेक्शन मोड में ही करनी होती है ताकि इवन बेकिंग इंश्योर हो सके।
उसके बाद गाइज टाइम नॉब आता है और ये मिनट्स में दिया हुआ है, 10 मिनट से लेकर के 60 मिनट्स तक ये रेंज करता है। और जो स्टे ऑन मोड होता है उसका ये मतलब होता है कि जिस भी टेम्परेचर या टाइम पे आपने सेट किया हुआ है अवन को, ये उसी पे स्टे करेगा जब तक कि आप इस ऑपरेशन को या फंक्शन को बंद नहीं कर देते। तो उसमें सबसे पहले बस आपको इन्हीं थर्मोस्टैट नॉब्स में से सेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले टेम्परेचर सेट कर दीजिएगा, फिर किस फंक्शन पे आपको कुकिंग करनी है वो सेट कर दीजिएगा, और उसके बाद टाइम सेट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप टाइम सेट करेंगे अपने आप ही ऑपरेशन में आ जाएगा ये ओटीजी। तो जैसे कि आपने देखा ये मैं यहाँ पे मोल्स रखती चली जा रही हूँ, तो एक 7 इंच का मोल, एक 6 इंच का मोल एंड एक 5 इंच का मोल, ये एक साथ मतलब इतने सारे केक्स एक साथ बन सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इसकी। तो आई वुड से करीब करीब 8.5 से 9 इंच का डायामीटर का जो टिन है या पैन है उसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, इतना बड़ा है ये। इसी के साथ जो लार्ज साइज़ का पिज्ज़ा आता है ना, 8.5 से 9 इंच का डायामीटर का होता है, उतना बड़ा पिज़्ज़ा आप इसमें बना सकते हो। चिकन की बात करूँ रोस्टिंग की, तो करीब 1 से 1.5 किलो के बीच में आप चिकन पूरा का पूरा होलसम इसमें रोस्ट कर सकते हैं रोटिसरी फंक्शन के थ्रू। तो अभी गाइस इस ओटीजी में मैं आपको बना करके दिखाने वाली हूँ पिज़्ज़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबका ही फेवरेट होता है। तो सबसे पहले मैंने जा करके इस ओटीजी को 210 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है, और इसे मैंने कन्वेक्शन मोड पे रखा है, मतलब दोनों रॉड्स ऑन प्लस फैन ऑन, और 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग की है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप ओटीजी में किसी भी तरीके की बेकिंग करेंगे आपको इसे हमेशा प्री हीट करना है पहले से। मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दिया है कि जैसे ठंडे तवे पे डाल करके रोटी नहीं बनाई जाती है, उसी तरीके से ठंडे ओवन में रख करके सीधे बेकिंग नहीं शुरू की जाती है, पहले से प्री हीट करें फिर बेकिंग करें, राइट। जो बेकिंग ट्रे है इस ओटीजी की, उसमें मैंने ये रेडीमेड पिज्ज़ा बेस एक लिया हुआ है, इसको मैंने रख लिया है इसी ट्रे में। इस पे मैंने लगाया है थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस, और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है मैंने ढेर सारा मोज़रेला चीज़, जितना भी आपको पसंद हो। फिर गाइस उसके बाद मैंने ये स्पाइसी चिकन सॉसेजेस लिए हुए हैं, और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इनकी टॉपिंग मैंने दे दी है पिज्ज़ा के ऊपर। फिर मैंने ली है थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स भी, जो कि मैंने स्प्रिंकल कर लिया है पिज़्ज़ा के ऊपर। थोड़ा सा और मैंने इसमें चीज़ डाला है बाद में, और अभी तक हमारा अवन भी प्री हीट हो चुका है। तो ये ट्रे मैंने जा करके सेंटर ऑफ द अवन प्लेस कर दी है, और बंद करके हमने अवन को मैंने करीब 12 मिनट के लिए इस पिज़्ज़ा को 210 डिग्री पे ही बेक होने के लिए छोड़ दिया है। तो गाइस जैसे ही टाइम पूरा हुआ बेल का रिंग आया ट्रिंग से, और मैंने इसको बाहर निकाला पिज़्ज़ा को, एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर के रेडी हो गया है विद इन मिनट्स। और जब मैं इसको कट कर रही हूँ यू कैन मेक आउट बहुत अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। और गाइस फाइनली, क्योंकि मैंने आपको दोनों ओटीजीज़ के बारे में बताया, इसलिए मैं इनका कंपैरिजन भी आपको बता दूं, ताकि आपको शॉपिंग करने में यानी कि इनकी परचेज़ करने में आसानी रहे। तो गाइज अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो सबसे पहले जो अगारो ग्रैंड का ओटीजी है वो 30 लीटर का होता है, इम्पीरियल ओटीजी 38 लीटर का होता है। अब ग्रैंड में 30 लीटर वाले ओटीजी में 90 डिग्री से लेकर 230 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर रेंज करता है, जबकि 38 लीटर वाले में 232 तक होता है। देन गाइज टाइमर की अगर हम बात करें, तो 0 मिनट से लेकर के 60 मिनट्स तक हमारे 30 लीटर वाले ओटीजी में टाइमर होता है, जबकि इम्पीरियल ओटीजी में 100 मिनट्स तक का टाइमर होता है। ग्रैंड में होता है स्टे ऑन फंक्शन, इम्पीरियल में वो नहीं होता है, ऑटो शट ऑफ होता है दोनों में ही, नंबर ऑफ हीटिंग रॉड्स दोनों में 4-4 होती हैं, रोटिसरी फंक्शन, कन्वेक्शन फंक्शन, रेडी बेल, इनबिल्ट लाइट, क्लियर ग्लास डोर, रिमूवेबल क्रम ट्रे, रोटिसरी रॉड, बेकिंग पैन, अवन या ग्रिल रैक, देन ट्रे हैंडलर, ये सारी चीज़ें दोनों में ही अवेलेबल हैं। देन जो एडजस्टेबल ब्राउनिंग होती है ना, कि भाई लाइटर शेड की करनी है कि डार्क शेड की, वो हमारे इम्पीरियल वाले ओटीजी में है। प्रीसेट कुकिंग फंक्शंस भी इम्पीरियल ओटीजी में है, मतलब प्रीसेट भी हैं, और आप चाहें तो उन्हें अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल डिस्प्ले भी है इम्पीरियल ओटीजी में, डिफ्रॉस्ट रीहीट वॉर्म एंड रोस्ट का भी इसमें फंक्शन है। दोनों का ही जो वॉटेज है वो है 1500 वॉट। नाउ गाइस वैल्यू की अगर बात करें, तो अगारो का ग्रैंड ओटीजी 30 लीटर की कैपेसिटी वाला ये आता है 5000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली, वहीं अगारो का इम्पीरियल डिजिटल ओटीजी 38 लीटर का अप्रॉक्सीमेटली 9800 के आसपास आता है। जो ग्रैंड ओटीजी है ना 30 लीटर वाला, उसका एक छोटा वाला साइज़ भी आता है जो इससे कम वैल्यू में आता है। और गाइज मैंने दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो एग्जैक्ट प्राइस एज ऑफ नाउ क्या चल रहे हैं आप लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज गाइज सेल वगैरह आती रहती है ना, तो प्राइसेस कम भी होते रहते हैं। तो गाइज ये था मेरी तरफ से एक कंप्लीट वीडियो ओटीजी के परचेज को लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।